2020 का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ऑनर्स का, एफएम 2020 का क्वेश्चन पेपर हम लोग ऑनर्स का कर रहे हैं। अपने बुक का पेज नंबर 72 खोल लीजिए, वहाँ पे हम ऑनर्स का पेपर आपको अपने बुक में दिए हुए हैं। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा पेपर का विद सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं या जो करा रहे हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए आइए, देख पा रहे क्या, एक नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ये कोरोना टाइम का भाई पेपर है, 2020 में तो कोरोना था तो उसी में ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था, तो पेपर ये पूछा गया था। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? आइए देखिए क्या दिया है। एक नंबर, जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। एक नंबर देखिए, यू आर वर्किंग इन अ फर्म हैविंग आरओआई रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, प्रपोज प्रोजेक्ट विथ इफेक्टिव लाइफ ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल उसका लाइफ है, द इनफ्लो आर एस्टिमेटेड 67,500, 76,500 एंड 56,700, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट। निकालना प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, क्या निकालना भैया? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या चाहिए? कैश इनफ्लो चाहिए और पीवी फैक्टर चाहिए। कैश इनफ्लो चाहिए और क्या चाहिए? पीवी फैक्टर चाहिए। पी फैक्टर सवाल में नहीं दिया, पी फैक्टर खुद से निकाल लेंगे। देखिए कैसे बनेगा, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? अच्छे से देखिए, एग्जाम बेबी से सब पूछा था, एक नंबर का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। अच्छे से सुनिए, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ईयर, सबसे पहले ईयर लिख देंगे, 3 साल का प्रॉफिट दिया ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। आपको दिया हुआ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो को CFAT भी कहते हैं और CIAT भी कहते हैं। कैश इनफ्लो आपको दिया हुआ है, कितना कैश इनफ्लो दिया है? 67,500। और क्या दिया हुआ है भाई? 56,700। ये आपको कैश इनफ्लो दिया है। यहाँ लिख देंगे हम लोग पीवी फैक्टर, कितना परसेंट है भैया? 12%। पीवी फैक्टर निकालने का तरीका 12% है ना, तो 12/100 कर दो, 12/100 कर दो, 0.12 आएगा, इसे प्लस 1 खुद से कर दो, आ गया 1.12 के बाद डिवाइड का साइन मारते हैं और इक्वल टू का साइन मारते हैं। ए को इक्वल टू मारेंगे पहला साल का वैल्यू आएगा, दूसरा इक्वल टू मारेंगे दूसरा साल का वैल्यू आएगा, तीसरा इक्वल टू मारेंगे तीसरा साल का वैल्यू आएगा। समझ रहे? बढ़िया कैलकुलेटर हुआ तो आएगा, नहीं तो दूसरा कैलकुलेटर में चेक करिएगा। वीडियो में बच्चे बोलते हैं कि आ नहीं रहा है, बढ़िया कैलकुलेटर में आएगा। देखो निकाल के 12% है ना, हाँ बच्चे पूछेगा कि नहीं आ रहा है मेरा, 12% है तो 12/100 कितना आ रहा है? 0.12, 1 उसमें ऐड कर दीजिए, 1.12। चलाइए दबाइए कैलकुलेटर, 1.12 डिवाइड का साइड, ए को इक्वल टू मारिएगा पहला साल का वैल्यू, कितना आ रहा? 0.8 क्या? 9। दूसरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। क्या आ जाएगा? यही तो पूछा आपसे कि प्रेजेंट वैल्यू आप निकालिए, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना हो रहा है? 67,500 में 0.89 कितना आ रहा है? 60,075 और दूसरा कितना आ रहा? 46,500 समझ पा रहे हैं? तो पूछा है कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ये हुआ टोटल प्रेजेंट वैल्यू। क्या पूछा क्वेश्चन में? कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, तो लिख देंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स हो गया सर 1,60,000, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स कितना आएगा? 1,60,767। ये आया टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स। अच्छा सुनो, ये निकालोगे ना तब 0. बहुत सारे डिजिट आएगा, तो आप 2 डिजिट तक भी ले सकते हैं या 3 डिजिट तक ले सकते हैं, या तो 2 डिजिट या तो 3 डिजिट, समझ पा रहे? इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। ये प्रेजेंट वैल्यू निकालिएगा तो या तो 2 डिजिट या तो 3 डिजिट, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन उतारने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन लगी, देखिए क्या पूछा है। डिस्कस द मैचिंग एंड एग्रेसिव अप्रोच।
मैचिंग और एग्रेसिव अप्रोच को बोला डिस्कस करो। सुनो ध्यान से, कोरोना टाइम में मार्क्स ज्यादा था, अभी देगा तो आपको 5 या 10 का देगा। सुना, सुनिए ध्यान से, दीदी मत खोलो ज्यादा, ऐसे ही मत खोलो तो फिर बंद कर दोगे अपना मन। आई किसका बात कर, सुनिए ध्यान से, 2 नंबर तो क्या हो जाएगा दीदी, इंसान ही देख रहा है तुम्हारा जैसा जानवर नहीं। आइए 2 नंबर नाइट किसका बात कर रहे हैं, एग्रेसिव अप्रोच और मैचिंग अप्रोच। सुनिए, एग्रेसिव अप्रोच का मतलब आक्रामक नीति। आक्रामक नीति में कंपनी कब रहता है, जब ज्यादा कमाई करना है। ज्यादा कमाई करना तो ज्यादा रिस्क लेगा। हायर प्रॉफिट हायर डिग्री ऑफ रिस्क, हायर प्रॉफिट हायर डिग्री ऑफ रिस्क, इसको हम कहते हैं एग्रेसिव अप्रोच। क्या कहते हैं? तो कंपनी एग्रेसिव अप्रोच में कब काम करेगा, व्हेन ट्राई टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट विद अ हायर डिग्री ऑफ रिस्क, विद अ हायर डिग्री ऑफ, इसको हम कहते हैं एग्रेसिव अप्रोच। क्या कहते हैं? और एक है हम लोग का मैचिंग अप्रोच। मैचिंग अप्रोच का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लियो तो शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करो, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अगर नहीं हो तो लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करो। समझ पा रहे? शॉर्ट टर्म के लिए तुमने पैसा लिया तो शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करो, लॉन्ग टर्म के लिए तुमने पैसा लिया तो लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करो। इसको हम क्या कहते हैं? मैचिंग अप्रोच। क्या कहते हैं हम लोग? तो 2 अप्रोच है वर्किंग कैपिटल का। एग्रेसिव अप्रोच माने आक्रामक नीति, कमाना है तो कमाने के लिए रिस्क उठाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने हायर डिग्री ऑफ रिस्क आपको लेना पड़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं? एग्रेसिव अप्रोच। क्या कहते हैं? और मैचिंग अप्रोच किसको बोलेंगे? कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर तुमने लोन लिया है तो शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करो उसको, और लॉन्ग टर्म के लिए तुमने पैसा लिया तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए तुम उसको पैसा को इस्तेमाल करो। इसको हम क्या कहते हैं? मैचिंग अप्रोच। क्या कहते हैं? माने जिस काम के लिए तुम पैसा ले रहे हो उसमें मैच करा के खर्चा करो, फालतू फालतू जगह खर्चा मत करो, फालतू फालतू जगह खर्चा मत करो। जल्दी उतारिए तब 3रा नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, बालक देखो क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? वाई लिमिटेड स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख। 5 लाख रुपया लगाया है भाई, 5 लाख रुपया लगाया है। द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 इयर्स। लाइफ कितना प्रोजेक्ट का भाई? 5 साल। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कैश इनफ्लो स्टार्टिंग फ्रॉम 1st year to 5th year, 1 साल से लेकर 5वां साल तक का कैश इनफ्लो दिया है। और 1 लाख 10, 1 लाख 40, 1 लाख 80, 2.5 लाख, 3 लाख 80। वाट विल बी द पे बैक पीरियड? पे बैक पीरियड पूछा। पे बैक पीरियड माने जो 5 लाख रुपया लगाया है वो कितना दिन में रिकवर होगा। पे बैक पीरियड का मतलब हुआ कि जो पैसा हम लगाए हैं वो कितना दिन में रिकवर होगा। कैसे बनाएंगे पे बैक पीरियड? देखो कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड, ईयर दिया 1 से 5। ईयर क्या दिया? 1 से 5। कैश इनफ्लो दिया हुआ है 1 लाख 10 हजार, 1 लाख 40 हजार, 1 लाख 80, 2.5 लाख, 3 लाख 80, ये दिया हुआ है। ये क्या भाई? कैश इनफ्लो। क्या है? अब निकालेंगे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। क्यूमुलेटिव माने जोड़ना है। क्यूमुलेटिव माने क्या करना है? जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? 1 लाख 10, 1 लाख 10 में 1 लाख 40 जोड़ेंगे, कितना हुआ? 2.5 लाख। 2.5 लाख में 1 लाख 80 जोड़ेंगे, 4 लाख 30, 4 लाख 30 में 2.5 लाख जोड़ेंगे, 6 लाख 80, 6 लाख 80 में 3 लाख 80 जोड़ेंगे, 10 लाख 60 हजार। 10 लाख, समझ रहे हैं? आपको समझ आ रहा है? ये क्या? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। क्या है क्यूमुलेटिव? कितना रुपया रिकवर करना आपको? 5 लाख। कितना कितना रिकवर करना है? अब देखो इसमें, देखो 5 लाख कहाँ पे आएगा? हाथ को सब रखो पहले, कहाँ पे आएगा भाई? 3रा और 4था के बीच में, 3रा और 4था के बीच में, 3रा साल और 4था साल के बीच में। 3रा साल तो कंफर्म हो गया है, 3रा साल तो कंफर्म हो गया कि हमको मिलेगा 4 लाख 30 हजार। रुपया कितना रिकवर करना भाई? 5 लाख। रुपया कितना रिकवर करना है? 5 लाख। 5 लाख में 3रा साल कितना रिकवर हो जाएगा? 4 लाख 30 हजार। 4 लाख, तो 3 प्लस में क्यों लिखें, समझ में आ रहा? माना 3रा साल तो सियोर हो गया कि 4 लाख 30 मिल जाएगा, तो 5 लाख रुपया में 4 लाख 30 हजार तो रिकवर हो गया। तो 5 लाख में से 4 लाख 30 हजार घटा दो, 5 लाख में से 4 लाख 30 हजार घटा दो, और किसके बीच में रिकवर करना है? 6 लाख 80 से 4 लाख 30 के बीच में। तो 6 लाख 80 हजार, 6 लाख 80 में तुमने कितना इस्तेमाल कर लिया भाई? 4 लाख 30 हजार आपने इस्तेमाल कर दिया, 4 लाख 30 हजार। 4 लाख, तो 4 लाख 30 को हटाओ, 6 लाख 80 में से 4 लाख 30 तो इस्तेमाल हो चुका है, हटाइए उसको, तो कितना आ रहा? एयरपोर्ट पे बैक पीरियड यहाँ 3, यहाँ कितना आ रहा? 70, और नीचे कितना आ रहा है? डिवाइड करिए, डिवाइड करिए, कितना है? 0.28। तो कितना आ गया? 3.28 ईयर्स। 3.28 ईयर्स। ये क्या हुआ? पे बैक पीरियड। ये क्या हुआ? पे बैक पीरियड। कोई दिक्कत है क्या? कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है ये? कैपिटल बजटिंग। पहला भी क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग का है, दूसरा भी कौन सा अध्याय? दूसरा वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन था, तीसरा किसका है? कैपिटल बजटिंग। किसका है?
कैपिटल बजटिंग, जल्दी से उतारो, फिर चौथा नंबर क्वेश्चन में आते, जल्दी से उतारो एकदम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस ऑफ इस शेयर ऑफ कंपनी एज पर वाल्टर मॉडल। वाल्टर मॉडल के हिसाब से आपको डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन है, वाल्टर मॉडल के हिसाब से आपको मार्केट प्राइस निकालना है। वाल्टर मॉडल का क्या फॉर्मूला है? P इक्वल टू डी प्लस आर डिवाइड बाई के, ई माइनस डी डिवाइड बाई के। पी का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर आपको निकालना है, डी माने डिविडेंड पर शेयर, ई माने अर्निंग पर शेयर, आर माने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, के माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया अर्निंग ऑफ द कंपनी 10 लाख, डिविडेंड पेड 5 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2 लाख, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%। माने आर दिया है 15%, तो 15 डिवाइड 100.50, के दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, तो 12 डिवाइड 100.20। लेकिन डी और ई नहीं दिया है, तो निकालना पड़ेगा। डिविडेंड दिया है 5 लाख और नंबर ऑफ शेयर है 2 लाख, तो 5 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, डिविडेंड पर शेयर कितना होगा 2.5। अर्निंग कितना दिया हुआ है 10 लाख, अर्निंग कितना दिया है और नंबर ऑफ शेयर कितना है 2 लाख, तो 10 लाख डिवाइड बाई 2 लाख कितना हो रहा है 5 लाख, माने 5 रुपये कितना हो रहा 5। ये हो गया अर्निंग पर शेयर। क्या हो गया? अब फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वाल्टर मॉडल का फॉर्मूला को आप अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या भाई, डी कितना आया, डी 2.5, आर कितना है 0.50, के कितना है 0.12, ई कितना है 5, डी कितना है 2.5, के कितना है, के ई कितना है भाई 0.12। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2.5 ये माइनस करें तो कितना आ रहा 0.50 डिवाइड बाई पॉइंट, यहाँ कितना आ रहा 0.25 डिवाइड बाई 0.12, है ना। ये इसको इसको गुना करें, इसे डिवाइड करोगे, इसको इसको गुना करें, इसे डिवाइड करोगे, डायरेक्ट कर दूं, हाँ इसको इसको गुना करें, 3.125। अब इसको इसको जोड़िए, जोड़िए कितना आ रहा 2.5 प्लस 3.125 5.625 डिवाइड बाई 0.2 46.875 कितना पैसा भाई 87 पैसा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत तकलीफ? ये हम लोगों का डिविडेंड डिसीजन का क्वेश्चन है, कॉपी करिए। एक क्वेश्चन जरूर से डिविडेंड डिसीजन का रहेगा, या तो वाल्टर से या तो गॉर्डन, समझ पा रहे? ऐसे वाल्टर से पूछा तो वाल्टर का रहेगा। देखिए तो 5 नंबर लिखिए क्या, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडरिंग मार्केट वैल्यू ऑफ एडी लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। सवाल में दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख, देखिए सवाल में, रिटेन अर्निंग 28 लाख, 14% प्रेफरेंस है 90,000, 15% डिवेंचर 3,60,000, अदर इन्फॉर्मेशन, अप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30%, मार्केट प्राइस पर शेयर 50 है, डिविडेंड पर शेयर 6 है, मेंटेन ग्रोथ रेट 5% इन दिस रिगार्ड। डिवेंचर का फेस वैल्यू 1000 है, इशू हुआ 3% डिस्काउंट पे, जिसमें कमीशन वगैरह लोग ले लिया है 1.5%। टेन्योर ऑफ डिवेंचर कितना साल है? 10 साल। देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने के लिए केई का परसेंटेज चाहिए होता है, केपी का परसेंटेज चाहिए होता है, केडी का परसेंटेज, माने जो जो दिया उसका परसेंटेज चाहिए। केई माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, माने इक्विटी शेयर का परसेंटेज चाहिए, प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज चाहिए, डिवेंचर का परसेंटेज चाहिए। केई का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है DPS डिवाइड बाई MP प्लस G, DPS डिवाइड बाई MP प्लस G, DPS माने होता है डिविडेंड पर शेयर। देखो क्वेश्चन में सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट में डिविडेंड पर शेयर 6 दिया है और MPS मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दिया 50, सेंटर सुनना तो, DPS 6 दिया है, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दिया 50 और ग्रोथ रेट दिया हुआ 5%, ग्रोथ रेट कितना परसेंट दिया है 5%, माने 0.05। आप इसको इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको इसको क्या कर, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको इसको दिया हुआ है ना, इसको इसको क्या करिए डिवाइड कर रही है, ये इसको इसको जोड़िए इनटू 117% हो गया। नेक्स्ट हम लोग का केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के ऊपर देखो डिवेंचर दिया है 14% डिवेंचर है, इशू डेट 8% प्रीमियम, देख रहे हो ऊपर में लाइन लिखा है ना 14% प्रेफरेंस शेयर, अरे यहाँ पे रे बाबा देख रहे हो ना ऊपर में रिटर्न आने के नीचे, तो 100 का 14% डिविडेंड आ जाएगा। और एमपी माने कितना पैसा लिया है, 100 रुपये फेस वैल्यू है, 8% एक्स्ट्रा लिया माने 100 का 8%, 100 प्लस 8% कितना ले रहे 108, और 14% डिविडेंड है, देखो दिया हुआ 14% ले लीजिएगा बाद में, पहले समझिए 100 का 14% डिविडेंड माने 14 डिविडेंड है,
और 8% प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब क्या 100+8% कितना हुआ 108, तो 14 × 100/108 कितना हुआ 12.96%। उसके बाद देखिए क्या 15% डिवेंचर है, डिवेंचर का फॉर्मूला होता है I/ND1-T। I माने होता है फिक्स इंटरेस्ट पर डिवेंचर, फिक्स इंटरेस्ट। तो देखो नीचे दिया है कि एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 1000 है और ऊपर में 15% डिवेंचर है, कितना परसेंट है 15%। तो यहाँ देखो 1000 का 15% 150। अब एनडी का मतलब कितना पैसा तुम ले रहे हो, कितना पैसा, तो 1000 रुपया फेस वैल्यू है, 3% डिस्काउंट है, 1.5% खर्चा है, माने 4.5% का खर्चा है, 3% डिस्काउंट है, 1.5% खर्चा है, तो टोटल कितना खर्चा है भाई 4.5%। तो 1000 - 4.5%, 1000 - 4.5% कितना हुआ 955, कितना हुआ 955। तो फॉर्मूला क्या है इसका, आई है 150, एन डी है 955, वन फार्मूला का है, टी माने टैक्स रेट। देखो टैक्स रेट दिया 30%, पहला एडजस्टमेंट है एप्लीकेबल टैक्स रेट 30%, 30% माने 0.3, 30% माने 0.3, तो यहाँ पे 0.3 बैठा दिया, इसको डिवाइड किए और 1 - 0.3 माने 0.7, इसमें से 0.7 का गुना किए, 955 से डिवाइड किए, जो आया इंटू 100 कितना आया 10.99%, 10.1 1000 - 3+1। देखो 3% डिस्काउंट है, 1.5% का अंडर राइटिंग का कमीशन फमीशन लग रहा है, पेज को टर्न करो तब कमीशन दिखाई देगा, इस पेज में लिखा हुआ है 1.5% यहाँ पे कॉर्नर पे अंडर राइटिंग का खर्चा, तो 3 - 4.5% खर्चा लग रहा, तो 1000 - 4.5% 955 बैठा के सॉल्व करो, समझे क्या बोले, सुनो ध्यान से, आप निकालना कैलकुलेशन ऑफ बैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो कैसे निकलेगा बोर्ड में, देखो सोर्सेस ऑफ कैपिटल इक्विटी सर कैपिटल रिटर्न अर्निंग प्रेफरेंस सर कैपिटल डिबेंचर, ये चार चीज दिया है, चार चीज दिया उसका अमाउंट भी दिया है 12,28,90,3,00,000 परसेंटेज लिखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना 17%। अच्छा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का ही ना परसेंटेज कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग का होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का परसेंटेज ही रिटर्न अर्निंग का परसेंटेज होता है, माने रिटर्न अर्निंग का कोई अलग से परसेंटेज नहीं निकलता है, माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का जो तुम परसेंटेज निकाला है, माने के ही निकाला है, वही रिटर्न अर्निंग का परसेंटेज होगा, तो के ही कितना परसेंट निकाले 17%, तो रिटर्न अर्निंग का भी कितना होगा 17%। प्रेफरेंस शेयर का कितना निकाला अभी भी 12.96%, डिबेंचर का कितना निकाला है 10.99%, 10.99। अब ये अमाउंट है इसका, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अमाउंट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज कर दोगे तो आएगा वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या आएगा वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये परसेंटेज इसका ऊपर ये परसेंटेज चार्ज कर दो, मतलब 12,00,000 का 17%, 28,00,000 का 17%, 90,000 का 12.96% और 360,000 का 10.99%, चार्ज कर दो आ गया वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसको जोड़ लो और ये अमाउंट को जोड़ लो, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जोड़ लो, अमाउंट को जोड़ लो, तो यहाँ हो जाएगा कैसे निकलेगा वेटेड एवरेज, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाई अमाउंट इंटू 100, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाई अमाउंट इंटू 100, माने इसको ऊपर रखेंगे इसको डिवाइड में डालेंगे इंटू 100 आ गया आपका आंसर। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक सम ऑनर्स में जरूर रहता है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या, क्या चीज उसका कुछ नहीं करना, वो दिया है इन्फॉर्मेशन, समझ गए, कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ उतारिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।